जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। तो फ्रेंड्स, आज दिन शनिवार का आ गया है और हम सब दर्शन करने के लिए, गुरु जी के दर्शन पाने के लिए यहाँ गेट के बाहर ऐसे ही कंटिन्यू बैठे हुए हैं। सुबह 7 बजे से दोपहर के 10 बज चुके हैं, पर गुरु जी अभी तक आश्रम से बाहर नहीं निकले हैं। प्रसाद प्राप्त करें। जय सियाराम, जय बागेश्वर धाम। बालाजी हनुमान की जय। सन्यासी बाबा की जय। नमः पार्वती पते हर हर। मेरी चिल्ला रही थी वहाँ। फिर तो बोलो। सन्यासी बाबा की जय। बागेश्वर धाम की जय। बालाजी हनुमान की जय। नमः पार्वती पते हर हर। तो निकल जाए लग रहा है। जय श्री राम। बागेश्वर भगवान की जय। मैम, आप कहाँ से आए हुए हैं? शिकोहाबाद। अशोकाबाद? शिकोहाबाद। शिकोहाबाद ये कहाँ पड़ता है? आगरा। अच्छा, बाबा जी से कब से जुड़े हुए हैं? पहली बार आए हैं। और यहाँ कहाँ रुके हुए हैं? यहीं पे हैं पीछे। मैम बहुत दूर से बैठी हुई हैं, 7 बजे से। इनसे पूछते हैं, आप कहाँ से आए हुए हो? मैं इंदौर से आई। इंदौर से। यस। अच्छा, साथ में और कौन कौन है? मैं हूँ और मेरी 2 फ्रेंड हैं। तो यहाँ कब तक बैठे रहेंगे आप लोग? कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पर? जब तक गुरु जी की दर्शन नहीं होंगे। जय श्री राम। कृपया मरीज को धाम पर बिल्कुल रोके नहीं। प्रिंट के माध्यम से श्री राम दरबार में फोटो जमा करवा दें। तत्पश्चात मरीज को अपने घर की ओर प्रस्थान करवाए। सभी श्रद्धालुओं से हमारा निवेदन है, कोई भी गंभीर अथवा सीरियस मरीज धाम पर बिल्कुल रुके नहीं। प्रिंट के माध्यम से मरीज की फोटो जमा करवा दें। तत्पश्चात मरीज को अपने घर की ओर प्रस्थान करवाए। परम पूज्य गुरुदेव भगवान, प्रिंट के माध्यम से फोटो जमा करवा कर मरीज को अपने घर की ओर प्रस्थान करवाए। महाप्रसाद कार्यालय से अनवरत वितरण जारी है। जिन श्रद्धालु भक्तजनों को भगवान श्री बागेश्वर बालाजी सरकार का महाप्रसाद। गुरु जी एक बार नहीं, कई बार बोलते रहते हैं, सबसे कहते रहते हैं कि जो लोग धाम पे आ गए, समझ लीजिए उनकी अर्जियां लग गई। आप टोकन के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े, पर लोग हैं कि मानते ही नहीं। उनको लगता है कि टोकन डालेंगे तभी उनकी अर्जी मानी जाएगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ आए, दर्शन कर लिए आपने बालाजी हनुमान के, तो समझ लीजिए आपके दर्शन हो गए, आपकी अर्जी मंजूर हो गई। तो देख सकते हैं अब गुरु जी आ चुके हैं और यहाँ आने के साथ ही हर हर महादेव, जय श्री राम के। जय श्री राम।
एक बात मैं आप सबको और बता दूं, 18 फरवरी को यानी शिवरात्रि के दिन यहाँ पर गुरु जी के धाम में, बागेश्वर धाम में, सभी अनाथ लड़के और लड़कियों की सामूहिक शादी कराई जाएगी। गुरु जी सभी को आमंत्रित किया है, जिससे जो बन पड़ेगा वो आकर यहाँ पर कृपा कर सकता है। अंदर बैठे हैं ना, अंदर महफिल लगी है।